ब्लॉगर केपी सिंह को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, गुम हो गए। जब हम लोग वापस आ रहे हैं रास्ता गुम हो गए और क्या कहें, इधर उधर घूम रहे हैं और काफ़ी परेशान हो गए। आधा पौन घंटा हो गया हम लोगों को। दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है और काफ़ी संख्या में भीड़ है और काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये अभी नहीं बताएंगे हम आपको। दोस्तों हम लोग जंगल में हैं और एक नंबर जोन को पार करते हुए और दूसरे दो नंबर जोन में आ गए और बफर जोन है ये। और ये कहेंगे यहाँ पर सुल्ताना का एरिया है, कभी भी किधर से भी आके वो कर सकती है, क्या क्या कर सकती है, समझे आप? नहीं समझे, यानी कि हमारे ऊपर कभी हमला कर सकती है क्योंकि ये उसी का एरिया है। और बीच में काफ़ी ये कहेंगे जंगल है, घना जंगल। और सुल्तान चौकी पार करके हम लोग आए यहाँ और बराबर चल रहे हैं। जंगल को अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार और आलीशान जंगल है, लेकिन जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ एक नंबर का सीन है, एक नंबर का सीन, वो भी देखेंगे हम लोग। दोस्तों हम लोग आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं और ये कहेंगे कि और काफ़ी चलना है। और साथ के साथ देखें तो ये नज़ारा अल्टीमेट नज़ारा है, और इस नज़ारे की बात की जाए तो शायद ही और कहीं देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर ये नज़ारा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और लोग बैठे हुए हैं और पीछे आप देखिए, ये पीछे का आप नज़ारा देखिए, एक नंबर अल्टीमेट नज़ारा है। और साथ में ये कहूँगा कि और भी जो लोग साथी लोग हैं, देखिए आप कितने लोग हैं, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो आपको एंड में ही बताएंगे, क्योंकि मज़ा तो जब ही आएगा ना जब हम एंड वहाँ पहुँच जाएंगे और वो नज़ारा देख के और भी आप लोग कहोगे कि कहाँ आ गए। तो जहाँ हम पहुँचने वाले हैं सामने देख पा रहे हैं ये लोग, सब लोग साथ में हम लोग, और ये देखिए सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। और रहमत बरसी थी अभी, यानी कि बारिश बरसी थी और मज़ा आ गया उस बारिश में, और हमारी हालत बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कारण क्या है कि उमस पड़ रही है और पसीने ऊपर से नीचे तक, और बहुत ही खास, और साथ में आप देख पा रहे होंगे पसीने यहाँ से टपक रहे इस गंजी से और यहाँ तक आ रही है, देखिए उमस है। और देखा जाए तो मज़ा लेने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ ऐसी बातें की जा सकती है जिससे आप लोगों को मज़ा आए वीडियो में, क्योंकि वीडियो देखोगे आप लोग और देख के ये सब जो साथी लोग हैं इन लोगों को भी इन्जॉय और मज़ा आ रहा है सब लोगों को। साथ में हम कहाँ पहुँचेंगे ये तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि जंगल में होके कहाँ जा रहे हैं, तो पहुँचने के बाद में आप खुद कह दोगे कि कहाँ पहुँचे थे। दोस्तों जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है और आप भी देख पा रहे होंगे, और साथ में ये कहूँगा हज़ारों नहीं लाखों फिट की गहराई है, लाखों, हज़ारों फिट की बात नहीं करेंगे, लाखों फिट की गहराई की बात करेंगे। और साथ में ये कहूँगा कि झरने की आवाज़ आ रही है, पानी का झरना है साथ पास में, अगर यहाँ से अगर बंदा कोई गिर जाता है या ज़रा सा फिसल जाता है तो वो है ना कहाँ जाएगा ये आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही खास जगह है ये चीज़, और इस चीज़ का नज़ारे के लिए आप लाखों रुपए भी खर्च करें तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि ऐसे जगहों पर फॉरेस्ट की तरफ से एंट्री नहीं है। तो वास्तव में मज़ा आ गया यहाँ।
कहा जाता है कि इस घास में टाइगर सोता है, लेकिन यहाँ पर तो कैपिसिन सोता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों हम लोग जंगल में पहुंचे और स्टे किया, स्टे के बाद में कुछ खाया। दोस्तों जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच चुके हैं और ये कहेंगे काफ़ी लंबा सफ़र था और 14-15 किलोमीटर का सफ़र पार करके हम लोग आए, और जहाँ पहुँचना था उसकी बात करें तो ये जो दरगाह दिख रही है ये मामा की दरगाह, और यहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पर यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी पर भांडजी की दरगाह, और यहाँ पर काफ़ी पब्लिक है, और आज के दिन ये कहेंगे कि काफ़ी लोग आते हैं। आप पूरी देख पा रहे हैं कितने लोग हैं, और यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, और विशेषकर यहाँ जब आए तो परमिशन लेके आनी पड़ती है, और परमिशन ही ली जाती है पहले यहाँ आने के लिए, तो परमिशन लेने की बात रही तो ये इनके द्वारा ली जाती है। और हम लोग ने भी काफ़ी बहसबाजी हुई वहाँ पर, मेरी भी काफ़ी बहसबाजी हुई फॉरेस्टर है उससे, और उसके बाद में आने दिया यहाँ पर। तो हम लोग अभी आपको दिखा पा रहे हैं जो ये दरगाह है, तो ये दरगाह मामा की है, और फिर भांजे की दरगाह दिखाएंगे हम लोग आपको। सामने आप लोग देख पा रहे हैं ये जो दरगाह है वो मामा की दरगाह है, और वो भी दिखा रहे हैं हम लोग आपको। मामा भांजे की दरगाह की बात की जाती है यहाँ, और काफ़ी फेमस है। दोस्तों अभी मामा की दरगाह के अंदर जाके आए, और वहाँ पर अंधेरा है क्योंकि अगरबत्ती लगाई जा रही है, उसका काफ़ी धुआं है, और धुआं की वजह से बहुत ज़्यादा ये कहूँगा अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल दिखेगी नहीं, इसलिए बाहर से आपको दिखा पा रहे हैं, आप देखिए। और यहाँ का सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, और ये विशेषकर एक साल में एक दिन ही आते हैं, और वो कौन सा दिन होता है? मुहर्रम की 5 तारीख, मुहर्रम की 5 तारीख होती है, उस दिन आते हैं यहाँ पर। और यहाँ एक साथ आया जाता, डेली कोई नहीं आ सकता, यहाँ पाबंदी है, पाबंदी बिल्कुल। फॉरेस्ट में ये कहेंगे कि 14-15 किलोमीटर ये पड़ता है, और पूरा ग्रुप आता है, आप देख पा रहे हैं पूरा ग्रुप है, और ग्रुप के साथ ही आते हैं, इस तरह से आने नहीं दिया जाता। और इस दरगाह की बात की जाती है तो ये उस सदियों से है, ये मामा भांजे की दरगाह कहा जाता है, और सदियों से है, और जब ये राजा हमीर हुआ करते थे, जबकि ये कहानी बताता है, ये दर्शाता है कि एक पहचान है जहाँ मामा भांजे की एक कहीं ना कहीं कहानी हुआ करती थी, उस कहानी को लेकर ये दरगाह है, उसी दरगाह को लेकर यहाँ हम लोग सब लोग आए हों, और आप देख पा रहे हैं दरगाह और साथ में सभी लोगों को। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। हाँ, तो हम लोग अभी मामा की जो दरगाह है उस पर खड़े हैं, मामा भांजे की दरगाह है, वो काफ़ी फेमस है, तो इनका क्या इतिहास है थोड़ा सा बताएं? इतिहास अमीर के जमाने के, अमीर के टाइम में जो फौज आई थी जी, उसमें फौजी थे जी, फौजी थी, यहाँ शहादत पाई इन्होंने, रही बात जी क्यों मानते हैं, ये अल्लाह वाले, अल्लाह किसको नवाज लेता है ये अल्लाह के इख्तियार की बात है, कभी किसको रूस देता है ये उसके इख्तियार की बात है। क्या है अब बात, जैसे आप आए जब मैं आया जी, इसी अल्लाह ने इनके जरिए से दुआ की जी, अल्लाह ने कबूल किए तो लोग आने लगे धीरे धीरे जी। तो मामा भांजे का क्या इतिहास है, क्या दोनों ये सेना में हुआ करते थे? दोनों सेना में नहीं, ये पूरा रण शहीदों का है। क्या बात है, पूरा एरिया शहीदों का ही है, बहुत बढ़िया। किले में यहाँ नीचे यानी पूरा जंगल जितना भी आप देखेंगे उस साइड भी बहुत शहादत वाले लोग है जो फौज में आए हुए जिन्होंने शहीद हुए यहाँ जी जी। अब अल्लाह ने किसको कितना उरूज दिया ये अल्लाह के इख्तियार की बात है, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोगों को इसका इतिहास बताया गया। लोग जहाँ भांजे की दरगाह वहाँ आ चुके हैं, और भांजे की दरगाह आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और ये जो मामा की दरगाह है उससे करीबन 500 मीटर की दूरी पर पड़ती है, और यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये कहेंगे दूर दूर से लोग आए हुए हैं मामा भांजे की दरगाह पे, काफ़ी लोग आते रहते हैं, और ये कहेंगे कि ऐसे ही मौसम में आते हैं, और इस मौसम में क्या ठंडक होती है और बारिश भी हो जाती है, लेकिन आस उमस देखने को मिल रही है, और यहाँ अल्टीमेट नज़ारा है, अल्टीमेट नज़ारा ये कहूँगा कि मज़ा आ गया, जितनी बार कहें उतनी बार कहें मज़ा आ गया। हमने देख पा रहे हैं ये चादर, और
यहाँ अंदर भी हम लोग जाएंगे दरगाह में, भांजे की दरगाह है, भांजे की ये शहीदाना उनके साथ में जो शहीद हुए थे उनकी दरगाह है, शहीदाना इनका सारा पूरा कुंडवा है पूरा। अच्छा, ये पूरा कुंडवा है, ये जो शहीद थे हुए थे उनके सबकी दरगाह है, और इनको यहाँ पर चद्दर, यहाँ पे जी आम के पेड़ जी जंग लड़ी थी जब इन्होंने आम खाए थे जी, पेड़ उगे थे जी, उसी आम में से पेड़ बड़ो गए, उनमें से आम तोड़ तोड़ के नहीं खाए फिर बड़ो गए जी, वो बरसों जंग चढ़ी है, मूंग का पेड़ मूंग का पहाड़ बन गया था ये जी। यहाँ पे हाथी घोड़े के इनके सबके पाँव के निशाने भी मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल ये आगे यहाँ पे आगे, तो हम लोग दिखा देते हैं आपको एक बार और। ये देखिए आप, ये वो शहादत है जिन्होंने यहाँ जंग लड़ी थी उनका है ये, और वास्तव में देखने की जगह है, आप देख पा रहे हैं ये भांजे की दरगाह, और यहाँ चादर चढ़ाई गई है और काफ़ी संख्या में लोग हैं, ये देखिए काफ़ी लोग हैं, और दिखाने की कोशिश भी करता हूँ मैं आपको, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए और मुहज़िम साहब है ये सामने जी। दोस्तों अभी जो हम लोग मामा भांजे की दरगाह आए हुए थे, और अभी भांजे की दरगाह पे हम खड़े हैं, तो हमको एक शख्स मिले हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? हबीबुल्ला। अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ कितने साल से आते हैं? कम से कम 25-30 साल से आता हूँ। 25-30 साल से आते हो, तो आप पैदल अकेले आते हो? पैदल नहीं, साथी आते हैं, 4-5। कितने साथी आते हैं? 5 भी आ जाएं, 4 भी आ जाएं, 6 भी आ जाएं जी। और महीने में कितनी बार आते हैं? 2 बार आ जाते हैं महीने में। 2 बार आते हो तो अकेले आते हो या साथ होते हैं? नहीं साथ होते हैं। साथ होते हैं, यानी कि कोई जानवर मिला आज तक? मिलता खूब। कौन मिलता है? टाइगर मिलता है। तो टाइगर मिलता है तो कभी कोई बात? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यूं निकल जाए सामने होके। हमारी जिन शख्स से बात हुई वो कह रहे हैं महीने में 2 बार आते हैं, और उनके साथी लोग भी आते हैं, और जगह बिल्कुल बहुत ही अच्छी है यहाँ की, अगर देखा जाए तो यहाँ आते रहना चाहिए। दोस्तों जब मैं मामा भांजे की दरगाह पर आया तो हमें ये कहेंगे कि चाहने वाले मिले, और चाहने वालों से पहले मैं परिचय चाहूँगा। जी मेरा नाम शाहिद मिर्जा है जी, और मैं सवाई माधोपुर सिटी से ही हूँ जी, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और मैं आपको लाइक भी मतलब देखता हूँ और उसको लाइव को शेयर भी करता हूँ जी। कहाँ रहते हो? मैं सिटी में मिर्जा मोहल्ले में रहता हूँ। और इससे पहले कहाँ रहते थे? सऊदी। सऊदी में कब आए? सऊदी से? सऊदी से आए हुए काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन अब जाने का है अभी जी। कब जा रहे हैं? मतलब 25 तक जाने का है। जो वहाँ पर हम लोग मिले वो एक इतिहास है बिल्कुल मामा भांजे का, और अपना भी आज इतिहास बन गया। पहली बार मिले, और मैं आपको याद ही कर रहा था जी, और इत्तेफाक से आप मिल गए मुझे। ये दिल के रिश्ते होते हैं, और इस दिल के रिश्तों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूँ कहते हैं खून के रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते खत्म नहीं होते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये मामा भांजे के यहाँ से है, और विशेषकर भांजे की बात की जाए तो भांजे के सामने का ये व्यूज़ है, और बहुत ही अल्टीमेट व्यूज़ है ये। इस व्यूज़ को आप देख के, और कितना तगड़ा एक्स बना हुआ है अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, ये इसका मतलब है ये पेड़ों के द्वारा एक्स बना हुआ है, और बहुत ही व्यू आलीशान शानदार। और नीचे का देखिए आप, नीचे का व्यू कितना सुंदर है ये व्यू। इस व्यू को दिखाने के लिए हम काफ़ी रिक्स ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल कोने पे खड़े हुए हैं हम लोग। और ये देखिए आप चट्टान का नज़ारा देखिए आप, ये देखिए झरना भी बहता है यहाँ पर, क्योंकि अभी बारिश नहीं है लेकिन कम बह रहा है, और इसका आनंद ज़रूर लें। तो अभी हम लोग मामा भांजे के हैं, और यहाँ पर भांजे की दरगाह पर हमें एक मित्र मिले, तो आपका परिचय? मेरा नाम शाहिद मिर्ज़ा है जी, और मैं सवाई माधोपुर से हूँ सिटी से जी, मिर्ज़ा मोहल्ले से जी, और मैं कभी KPG का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे ये यहाँ पर इत्तेफाक से मिल भी गए जैसा मैंने सोचा था, आज बहुत अच्छी मुलाकात हुई। और कब जा रहे हैं आप? मैं 25 तारीख तक सऊदी जाने का है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो घंटा ज़रूर बजाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मैं शाहिद मिर्ज़ा जी, ये हमारे KPG को हम गिफ्ट देकर जाएंगे जी, जाने से पहले जी। कब जाएंगे आप? 25 तक। 25 को या 25 तारीख को जाएंगे, और भाई ने कहा कि ये गिफ्ट देके जाएंगे, और इस तरह की गिफ्ट ये कहेंगे ये स्टिक बहुत बड़ी स्टिक है, आप लोगों को हम जो भी ये देंगे तो मैं बताऊंगा। कितने लंबी होगी ये स्टिक? ये लगभग 4 फीट की है। 4 फीट की स्टिक है, और आप देख पा रहे हैं स्टिक को भी दिखा देते हैं हम लोग, ये देखिए। तो ये स्टिक अब 26 तारीख को शायद मेरी हो जाएगी। क्या बात है, थैंक यू, शुक्रिया। और ये भाईजान के दिल की बात है, अगर देते हैं तो इनकी मर्जी नहीं, 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 नहीं देते देंगे, देंगे, देंगे। मैं अभी मामा भांजे की दरगाह पे हूँ, और अभी ये कहेंगे भांजे की दरगाह है, यहाँ पर हमें एक शख्स मिले, उनसे हम लोग थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, और जो यहाँ पर इस तरह का भरता मेला उसके बारे में। तो आपका नाम? मेरा नाम अमीरुद्दीन है जी, बाबू भाई के नाम से जानते हैं जी, और तकरीबन मैं 14-15 साल की उम्र से यहाँ पर आता जाता हूँ जी, और मेरी 66 साल की उम्र हो गई है जी, और यहाँ पर तकरीबन 20 साल से तबरुक बनाया जाता है जी, उसके लिए हम 7-8 लोग जो खादिम हैं जी वो जुड़े हुए हैं जी, और यहाँ पर आकर के
उर्स जो मुहर्रम की चांद तारीख 5 तारीख को जी, चांद की 5 तारीख को जी, यहाँ पर हर साल जी, बरसों से सैकड़ों साल पहले से जी, यहाँ पर उर्स होते हैं जी, और यहाँ पर लोग आते हैं, अपनी अपनी मुरादें पाते हैं, अमन चैन की दुआएं करते हैं जी, और भाईचारा रखते हैं, पैगाम देते हैं। बिल्कुल, यहाँ सभी समाज के लोग आते हैं जी, यहाँ भाईचारा रखते हैं जी, बहुत बात अखलाक से उनको बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, तबर जी, जी। अभी जो हमें शख्स मिले उन्होंने बताया कि यहाँ सभी धर्म के लोग आते हैं और भाईचारे की यहाँ और दुआ बस आज से ही नहीं बरसों से जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो सवाई माधोपुर में है जी, वो एक मिसाल है अपने आप में जी। यहाँ पर कई दरगाहें हैं, उनमें जो है एक खास दरगाह जो है मामा भांजो की है, किले के अंदर बाबा सदुद्दीन साहब की दरगाह है, गणेश जी के पास में सैयद कुर्बान अली साहब की दरगाह है जी। और यहाँ पर लोग आते जाते हैं और बरसों से आते जाते अमन चैन की दुआएं करते हैं जी, हैं यहाँ पर आते हैं, कुरान खानी होती है और एक लंगर चलता है, वो सब लोग जो है तबरुक लेकर के शाम को मेला ये 5 बजे करीब ख़त्म हो जाता है, दो रोज ये मेला चलता है जी। यहाँ अभी जो इन शख्स से बात हुई उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और अमन चैन की दुआ मांग के यहाँ से जाते हैं और ये जो मेला है ये हर साल बनता है, हर साल बढ़ता है। दोस्तों मामा भांजे की दरगाह से यहाँ पर जो गणेश जी का मंदिर है वो आप पीछे देख पा रहे होंगे, गणेश जी का मंदिर है वो साफ दिखता है और यहाँ का जो दृश्य है जो सौंदर्य बहुत ही अल्टीमेट सौंदर्य है, शानदार है, जानदार है और मज़ेदार है। और यहाँ के जो व्यू है एक नंबर व्यू, आप देखिए जो व्यू नज़र आ रहे हैं और पीछे जो परकोटा नज़र आता है, ये बाउंड्री नज़र आती है किले की, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। तो दोस्तों इस तरह के नज़ारे देखना बहुत कम मिलता है और जंगल के अंदर जब आते हैं तो एक से एक चीज़ देखने को मिलती है और बारिश में विशेषकर बात करते हैं बारिश की, तो बारिश में ही देखने को मिलती है।